हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो A20 SE में और सैमसंग गैलेक्सी M31 S में। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले से, तो वीवो की है 6.44 इंच की, रेजोल्यूशन है 1024x2400 पिक्सल और उसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और सैमसंग की जो डिस्प्ले है और 6.5 इंच की है, रेजोल्यूशन है 1024x2400 पिक्सल और उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग आगे है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो वीवो का है स्नैपड्रैगन का 665 का, सीपीयू है 2.0 GHz ऑक्टे कोर का और उसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका GPU है 610 का। और सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो एक्सिनोस का है 9611, सैमसंग का खुद का ही प्रोसेसर है और सीपीयू है 2.3 GHz ऑक्टे कोर का और उसमें 10 नैनोमीटर का फिनफैट और उसका GPU है जी बेहतर है MP3 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों का सेम है Android 10। बात करते हैं बैक कैमरे की, वीवो का जो बैक कैमरा वो ट्रिपल है 14+8+2 मेगापिक्सल का और सैमसंग का जो बैक कैमरा क्वाड में है 64+12+5+5 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है 32 का। बात करते हैं बैटरी की, तो वीवो में दी गई है 41 mAh की और सैमसंग में दी गई है 6000 mAh की और दोनों फ़ोन बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात कर लेते हैं चार्ज की, तो वीवो में है 33 वाट का, सैमसंग में 25 वाट का और दोनों फ़ोन में टाइप्स का सपोर्ट दिया गया है और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेसल दोनों फ़ोन में दिया गया है, दोनों फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फ़ोन में 2 सिम और 7 मिस्टी का डाल सकते हो और दोनों फ्रंट में ग्लास है, बैक से प्लास्टिक है, फ्रेम में प्लास्टिक का ही दिया गया है। बात करते हैं रैम की, वीवो में है 8 GB की, सैमसंग में 6 GB RAM की। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम 128 GB की दी गई है। बात करते हैं प्राइस की, तो वीवो का जो प्राइस है 8 GB 128 GB का वो है 2199 रुपये और सैमसंग के है 6 GB 128 GB का 19499 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन से कौन सा फोन पसंद है कौन में जरूर बताना। अगर आप दोनों फ़ोन से कोई खोलने की सोच रहे हो तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है वीवो से। एक तो आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और एक तो आपको कम प्राइस भी मिल रहा है और दूसरा आपको बड़ी सी बैटरी दी गई है, थर्ड आपको कैमरा बेस्ट मिलता है, बाकी आपकी चॉइस है।